होप यू ऑल आर फाइन इन प्रीवियस लेक्चर डिड वन एंड टू पार्ट ऑफ क्वेश्चन और इसका पार्ट थ्री मैंने आपको होमवर्क दिया था और पार्ट फोर मैंने कहा था कि खुद प्रैक्टिस करें अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड वरना मैं आपको ये दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी तो जिन्होंने पार्ट थ्री कर लिया है वेल एंड गुड और जिन्होंने पार्ट फोर भी कर लिया है तो उनकी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी लेकिन जिन्होंने पार्ट थ्री और पार्ट फोर नहीं किया तो मैं पार्ट फोर उनके लिए करती हूं और पार्ट फोर और पार्ट थ्री में सिर्फ एक माइनस का फर्क है यहां माइनस है और यहां प्लस तो आपको मैं जिनको पार्ट थ्री की नहीं समझ आई वो पार्ट फोर देख लें और उसके बाद पार्ट थ्री इसको करके कंप्लीट कर लें तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेम वही है कि लेट ए इज इज इक्वल टू वन माइनस वन टू थ्री जीरो b इज इक्वल टू वन माइनस सी टू माइनस फाइव एंड सी इज इक्वल टू टू वन वन थ्री वेरीफाई दैट ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी हम इसकी वही पहले कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए इंटू बी माइनस सी पहले आप ए लिखेंगे माइनस वन टू थ्री जीरो ब्रैकेट लगाएंगे बी लिखेंगे माइनस थ्री टू माइनस फाइव माइनस सी लगाएंगे टू वन वन थ्री पहले अब हम इसकी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी इनको माइनस करेंगे और ए साथ एज इट इज आ जाएगा माइनस में हमने पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में कि कोरोस्पॉडिंग एंट्रीज जो हैं वो एडिशन सब्ट्रेक्शन में कॉरेस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में एड और सब्टैक्ट होती हैं तो इसकी कोरोस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है ये तो इसका मतलब है वन माइनस टू होगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है अगर यही प्लस होता तो यहां वन प्लस टू होना था टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन और माइनस फाइव माइनस थ्री सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वन टू थ्री जीरो ए मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा यहां माइनस वन वन माइनस फोर और माइनस एट अब हम इन दोनों को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई में अगेन वही ये रो और ये कॉलम माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस थ्री इंटू माइनस फोर माइनस वन इंटू वन प्लस थ्री इंटू माइनस एट टू इंटू माइनस वन प्लस जीरो इंटू माइनस फोर टू इंटू वन प्लस ज़ीरो इंटू माइनस एट सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस माइनस माइनस फोर्थीज ट्वेल्व माइनस वन इंटू वन माइनस वन और माइनस एट इंटू थ्री माइनस ट्वेंटी फोर टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस ज़ीरो टू माइनस ज़ीरो तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इलेवन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस टू और टू ये आ गई आपके पास इक्वेशन वन अब हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं कंसीडर राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है ए बी माइनस ए सी अगर आप चाहें तो ए बी पहले सॉल्व कर लें फिर ए सी सॉल्व कर लें और फिर जो उनका आंसर है उनका सबट्रैक्ट कर लें या हम इसको एक ही स्टेप में कर लेते हैं अब आपने देखें इसमें ब्रैकेट नहीं है इसलिए हम पहले प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद उसको सब्ट्रैक करेंगे यहां द मैस रूल लगता है आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और फिर द मैस रूल के मुताबिक पहले डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन होती है फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है तो यहां इसलिए पहले मल्टीप्लीकेशन होगी तो हम पहले ए बी लिखते हैं ए क्या है माइनस वन टू थ्री जीरो बी क्या है वन माइनस थ्री टू माइनस फाइव माइनस ए लिखेंगे माइनस वन टू थ्री जीरो और सी लिखेंगे टू वन वन थ्री इनका प्रोडक्ट लेंगे पहले ये रो और ये कॉलम माइनस वन इंटू वन प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस वन इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव टू इंटू वन प्लस ज़ीरो इंटू माइनस थ्री टू इंटू टू प्लस ज़ीरो इंटू माइनस फाइव अब इसका प्रोडक्ट लेंगे माइनस वन इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन माइनस वन इंटू वन प्लस थ्री इंटू थ्री टू इंटू टू प्लस जीरो इंटू वन टू इंटू वन प्लस ज़ीरो इंटू थ्री सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वन माइनस नाइन माइनस टू माइनस फिफ्टीन टू वन ज़ा टू माइनस जीरो टू टू ज़ा फोर माइनस जीरो माइनस माइनस टू प्लस थ्री माइनस वन प्लस थ्री थ्री नाइन टू टू ज फोर प्लस जीरो वन जार टू प्लस जीरो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वन माइनस नाइन माइनस टेन माइनस टू माइनस फिफ्टीन माइनस सेवेंटीन टू फोर माइनस माइनस टू प्लस थ्री वन एट फोर और टू अब हम हाँ इनको सब करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंट्रेज आपस में सब होंगी टू माइनस फोर फोर माइनस टू माइनस इलेवन सेवेंटीन माइनस एट माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस टू और टू यह आगे आपके पास इक्वेशन टू माइनस इलेवन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस टू टू और अगर आप इसकी इक्वेशन वन देखें तो वो भी यही है माइनस इलेवन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस टू टू तो हमें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इट इज वेरीफाइड दैट ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट वन करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है फॉर मैट्रस इज ए बी एंड सी वेरीफाइड दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज अगेन पहले कंसिडर करेंगे left hand side. अब देखें पहले bracket आ गया मैंने आप को ये में में भी यही रूल है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब के ऊपर या उसमें कंप्लीमेंट होता था तो पहले आप अंदर वाला सॉल्व करते थे और फिर उसका ट्रांसपोज लेते थे लेकिन जब इंडिविजुअल के ऊपर ट्रांसपोज होता है तो पहले आप इंडिविजुअल का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उसका प्रोडक्ट लोगे ठीक है तो यहां होल के ऊपर है तो पहले हम क्या करेंगे ए बी लेंगे ठीक है पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो अगर हम ये वाली साइड ले रहे हैं बी ट्रांसपोज तो हम पहले ए बी ले रहे हैं ए होगा माइनस वन टू थ्री जीरो और बी है वन माइनस थ्री टू माइनस फाइव अगर आप ये देखें तो ये अगेन आपके पास वही मैट्रिसेस हैं जो क्वेश्चन नंबर फाइव में दिए हुए थे तो इनका प्रोडक्ट जो है वो पहले आप निकाल चुके हैं लेकिन यहाँ मैं आपके लिए एक दफा फिर निकाल देती हूँ हम प्रोडक्ट लेंगे माइनस वन इंटू वन प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस वन इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव टू इंटू वन प्लस जीरो इंटू माइनस थ्री टू इंटू टू प्लस जीरो इंटू माइनस फाइव माइनस वन माइनस नाइन माइनस टू माइनस फिफ्टीन टू वन जा टू ज़ीरो टू टू ज फोर ज़ीरो तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टेन माइनस सेवेंटीन टू फोर अब हमने इसका क्या लेना है ट्रांसपोज तो हम लेंगे ए बी का ट्रांसपोज यानी ये जो आपके पास ए बी आया है इसका आप लेंगे ट्रांसपोज अभी मैंने सिर्फ ट्रांसपोज का निशान डाला है ट्रांसपोज नहीं लिया अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ट्रांस्पोस आपको पता है कि जो है, कॉलम जो हैं वो में में हो जाती और होते यानी ये जो रोज है, इसको हम क्या बना देंगे कॉलम और ये रो जो है वो भी क्या बन जाएगी कॉलम तो ये आपके पास ए बी ट्रांसपोज आ गया यानी इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देंगे अब हमने इसकी कंसिडर करनी है राइट हैंड साइड जो क्या है आपके पास B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज इसमें हम क्या करेंगे पहले इनका ट्रांसपोज लेंगे B का ट्रांसपोज लेंगे B क्या है आपके पास वन माइनस थ्री टू माइनस फाइव इसका मैंने अभी ट्रांसपोज नहीं लिया जस्ट उसके ट्रांसपोज का T डाला है अब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी अब हम इसका लेंगे ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लेंगे ए क्या है आपके पास माइनस वन टू थ्री जीरो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस वन थ्री टू जीरो अब आपने क्या लेना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ऑर्डर बहुत मैटर करता है ये ना हो कि आप लोग पहले ए ट्रांसपोज लिखते हैं पहले आपने क्या लिखना है बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आपके पास आया था बी ट्रांसपोज आपके पास आया था वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव उसके बाद ए ट्रांसपोज लिखेंगे जो आपके आपके पास आया था माइनस वन थ्री टू जीरो अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे ये रो ये कॉलम वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस थ्री इंटू थ्री वन इंटू टू प्लस माइनस थ्री इंटू टू माइनस थ्री इंटू सॉरी ज़ीरो वन इंटू टू और माइनस थ्री इंटू ज़ीरो टू इंटू माइनस वन प्लस माइनस फाइव इंटू थ्री टू इंटू टू प्लस माइनस फाइव इंटू ज़ीरो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वन माइनस नाइन टू जीरो माइनस टू माइनस फिफ्टीन फोर माइनस जीरो माइनस टेन टू माइनस सेवनटीन फोर यह आपके पास आ गई इक्वेशन टू अगर आप इक्वेशन वन और टू देखें तो इक्वेशन वन भी आपके पास क्या आई थी माइनस टेन माइनस सेवनटीन टू फोर और इक्वेशन टू भी आपके पास क्या है माइनस टेन माइनस सेवनटीन टू फोर तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इट इज वेरीफाइड दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इसका सेकेंड पार्ट है बीसी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इसमें भी आप क्या करेंगे पहले बीसी का प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे और राइट हैंड साइड में पहले आप सी ट्रांसपोज लेंगे फिर बी ट्रांसपोज लेंगे और फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे तो होप कि ये आप लोग खुद कर लेंगे इसका पार्ट टू इस तरह आपके पास 1.4 कंप्लीट हो जाएगी और इसमें मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट टू आप लोगों ने होमवर्क करना है इनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में वन पॉइंट फाइव स्टार्ट करेंगे ओके स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज